फाइनली गूगल पिक्सल 8 की फुल अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। कुछ आपको लोग की जिस इस तरह का आपको बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। बॉक्स के अंदर आपको फ़ोन यानी आपको केबल आपको नज़र आ जाएगी, इसी के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ नज़र आ जाएगी। टॉक अबाउट दिस डिस्प्ले, दिस स्मार्टफोन इज 6.2 इंच डिस्प्ले ऑलेड डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट HDR10+ सपोर्ट। एंड ब्राइटनेस की बात करते हैं तो ये आपको 1400 nits की आपको आउटडोर ब्राइटनेस नज़र आती है जो काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड की गई है। एंड बिल्ट क्वालिटी, ग्लास फ्रंट देखने को मिलता है, बैक साइड आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है। एंड साइड जो फ्रेम यूज़ किया गया है वो आपको एल्युमिनियम फ्रेम नज़र आता है। एंड देन प्रोटेक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको क्रोनिक ग्लास विक्टर्स की आपको प्रोटेक्शन नज़र आती है। ओवरऑल डिस्प्ले इज़ गुड, काफ़ी अच्छी आपको डिस्प्ले आपको नज़र आती है स्मार्टफोन के अंदर। एंड टॉक अबाउट दिस कैमरा एंड टू कैमरा, 50MP एज अ मेन कैमरा विद OIS के साथ एंड सेकेंड 12MP अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड फीचर डुअल LED फ्लैश प्लस HDR सपोर्ट एंड 4K ऑप्शन 24fps 30fps एंड 60fps एंड फुल HD 30, 60, 120 एंड 240fps पर विद OIS के साथ 10 बीट्स HDR के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग इजीली आप कर पाओगे। परफॉर्मेंस की बात करते हो तो लिटरली ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड 14 पे नज़र आता है। गूगल का अपना एक लेटेस्ट चिपसेट स्मार्टफोन के अंदर नज़र आता है, गूगल टेंसर G3 जो 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे मिलता है। इसका जो ग्राफिक्स होने वाला है इमोरिटल G7 150 10S MC10 देखने को मिलता है। गेमिंग ग्राफिक्स मोर बेटर होने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर, गेमिंग में आपको कोई हीटिंग इशू आपको नज़र नहीं आएगी। एंड देन स्टोरेज वेरिएंट की बात करते हैं, 8GB RAM 128 वेरिएंट एंड 8GB RAM 256GB वेरिएंट एंड UFS 3.1। एंड सेल्फी की बात करते हैं जिसमें आपको फ्रंट सेल्फी नज़र आती है, 10.5MP की आपको सेल्फी नज़र आती है, वो भी अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ आता है। सेल्फी में आपको काफ़ी अच्छी आपको सेल्फी आती है, सेल्फी की तरफ से भी आपको ऑटो HDR प्लस 4K सपोर्ट 24, 30, 60fps एंड फुल HD ओनली 30, 60fps पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग इजीली आप कर पाओगे। साउंड क्वालिटी में आपको स्टूडियो स्पीकर्स नज़र आते हैं जो साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। स्मार्टफोन बढ़ते हैं बैटरी की, ये आपको 5000mAh से कम आती है, 45000mAh तक की आपको बैटरी नज़र आती है। विद जो चार्जर यूज़ किया गया इसके स्मार्टफोन के अंदर 27W फास्ट चार्जर के साथ आता है जो अप्रॉक्सीमेटली आपको 50% आपको 30 मिनट्स के अंदर आपके स्मार्टफोन को ये फुली चार्ज नहीं करेगा एंड 50% कर देगा। यहाँ बात करते हैं स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर, ये स्मार्टफोन में आपको इंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नज़र आता है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड कनेक्टिविटी की सपोर्ट्स की बात करते हैं, 5G कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ 5.3, GPS, NFC, वाईफाई, मल्टीपल फीचर्स आपको अंदर नज़र आ जाएंगे प्लस UFC Type-C 3.2 आपको नज़र आता है। कलर वेरिएंट की बात करते हो तो कुछ अलग अलग आपको कलर वेरिएंट आपको नज़र आ जाएंगे। देन प्राइस की बात करते हो तो क्या प्राइस में आ सकते हैं, ये स्मार्टफोन आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 या 50 के अराउंड स्मार्टफोन नज़र आ सकता है गूगल का पिक्सल 8 सीरीज। देखिए कुछ अपडेट्स वगैरह जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो नाउ।